आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हैशटैग कमिका पे। और आज हम जो है टिफिन टॉप पर जाएंगे, ऊपर हाइट पर, वो भी घोड़े पर बैठकर। तो चलिए चलते हैं और करते हैं, चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आगे की यात्रा जो घोड़े पे बैठ के करनी है, तो चलते हैं, करते हैं घोड़े की सवारी और करते हैं एंजॉय। चलिए तो अब हम जो घोड़े की सवारी कर रहे हैं और ये घना जंगल है चारों तरफ। और जो भैया मुझे लेके जा रहे हैं कह रहे हैं यहाँ पर बाघ, हिरण और तेंदुए मिल जाते हैं अक्सर। तो देखते हैं, रास्ता बड़ा अजीब है, अंग्रेजों के टाइम का है। थोड़ा मुझे डर लगा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत डर लगा घोड़े पे बैठने में, पर अब थोड़ा थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और पूरा जंगल क्रॉस करना है, फिर हम ऊपर जो है टॉप में पहुंचेंगे। तो आपसे जो है मैं ऊपर टॉप में पहुंच के बात करूंगा। तो थोड़ा मैं आपको जंगल का साइड व्यू दिखाना चाहता था। तो अब तो ये रास्ता जो है सही आ गया है, पहले तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ था और मेरा घोड़ा चल नहीं रहा था। भैया ने ट्रिक बताई कि पैर मारो तभी चलेगा। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने अपना घोड़ा जो है यहाँ बांध दिया है। अब आगे जो है मैं खुरपाताल झील देखने जा रहा हूँ और बिल्कुल टोटली जंगल से होके जाना होता है। तो चलते हैं, और थोड़ी भीड़ और रश कम है अभी, तो चलिए। तो अब मैं आपको जो खुरपाताल दिखाऊंगा, व्यूज सारा जो खेल है वो व्यूज़ का है। और जब से भैया ने बताया ना टाइगर है, मेरी तो हवाई ख़राब हो गई है, डर लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब आ जाए सामने। तो ये देखिए सामने, मैंने कहा था ना ताल बहुत सारे हैं सामने, जो ये पानी भरा दिख रहा है ये हमारा खुरपाताल है। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने का, और हम कितनी ऊंचाई पर, ये देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट जगह, यहाँ से निकल के चलिए। बिल्कुल कोरा घना जंगल, और उस पर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ टाइगर भी रहता है। तो मैंने कहा भैया अगर टाइगर से बचना हो तो क्या करें अगर आ जाता है सामने। तो भैया छूटते बोले पेड़ों पे चढ़ जाना। मैं बोला मुझे तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता। तो कह रहे हैं कि जब टाइगर सामने आएगा तो आप अपने आप चढ़ जाओगे। तो मैं तो जल्दी से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा हूँ कहीं टाइगर ही ना पड़ जाए सामने। चलिए तो अब हम अपने फॉरेस्ट में आ गए जहाँ पर जनवरी में बहुत बर्फ़ पड़ती है। और रास्ता देखिए कितना ख़राब है, उसके बाद भी जो हमारा घोड़ा अच्छे से चल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जो मेरे साथ भैया हैं इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है, अदरवाइज मैं तो कह रहा था स्टार्टिंग में मेरे को उतार दो, मैं नहीं जा पाऊँगा। और मैं कहूँगा भैया एक बार सामने का रास्ता भी दिखाओ लोगों को, देखिए कितना अजीब जंगल है पूरा। और तो भैया मुझे लेके जा रहे हैं टॉप पे, जाके मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। और मेरे हाथ में मेरे घोड़े की लगाम है, बेचारा थक गया होगा ये। तो इतनी ऊँची चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम आ गए दौड़ती सीट। ये जो है एक यहाँ के कभी अंग्रेज हुआ करते थे, उनकी बेटी का नाम था, तो उनकी याद में बना है। चलिए दिखाता हूँ आपसे ऊपर का नज़ारा। वो वर्जन पीक थी वो, वो टू अच्छा पचास टू पचास टू हमारे तो आ गए नहीं। तो अब मैं आपको ये जो सुंदर नज़ारा देखिए, और सामने हमारे जो है हिमालय हैं, इसकी जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई, देखिए सामने दिख रहा है। और ये 407 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लग ही रहा है कि पास में। तो क्या सुंदर नज़ारा है देखिए टिफिन टॉप के ऊपर। तो अभी जो है हम टॉप व्यू पे चले गए थे, नीचे जो है वो पिकनिक स्पॉट कहते हैं, जैसे जो है टिफिन पॉइंट है। तो चलते हैं नीचे और उसे भी दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इस जंगल में, ये जो पेड़ है ये ऐसे पेड़ हैं जो ठंडे एरिया में ही पाए जाते हैं, और इनकी लेंथ बहुत ऊंची ऊंची लंबाई होती है। और इसका जो उपयोग करते हैं वो फर्नीचर बनाने में करते हैं, बहुत मजबूत होता है ये, जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं अपनी तरफ ऐसे ये होते हैं। तो इन पेड़ों का नाम मैं भैया से पूछ के आपको बताता हूँ। मुझे कौन से पेड़ है भैया,
ये देवदार, ये सारे देवदार के पेड़ हैं। और देखिए बच्चे जो हैं ये टिफिन पॉइंट है वहाँ पर आके खेल रहे हैं। ये टिफिन पॉइंट यही है, तो ये नीचे टिफिन पॉइंट है जहाँ पर बच्चे आके पिकनिक के तौर पर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और मतलब कोई भी आ सकता है, खाली बच्चे ही नहीं। तो अभी जो है रेडी है, हम नीचे उतरेंगे, तो चलते हैं धीरे धीरे। और जिस चीज़ की मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर बाघ है, जिसे हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कि वो ना मिले, मिलने के लिए नहीं, ना मिलने के लिए, तो अभी अभी वो हमारे सामने से गुजरा है। और इत्तेफाक इतनी जल्दी हुआ कि हम आपको क्या बताएं। मैंने दोनों हाथों से घोड़े के लिए जो ऊपर बैठने के लिए पकड़ना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, वो पकड़ा हुआ था, और वो झट से जो है हमारे सामने से रेलिंग क्रॉस करके चला गया। और उसके मुंह में जो है उसका शिकार था, उसने हिरन मार रखा था। और भैया ने कहा कि आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, ये चुपचाप चला जाएगा। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि कहीं हमको पकड़ ना ले, लेकिन वो चुपचाप चला गया। तो बाल बाल बचे हैं बाघ से, तो चलते हैं जल्दी से बाहर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, तो चलिए लेट्स गो। फाइनली हम जो है ऊपर से भैया घुमा के ले आए हैं, और काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू भैया। और जब वो शेर वाली मूवमेंट हो, बाघ वाली मूवमेंट हुई, तो भैया बोले कि आप चुपचाप बैठे रहो, और घोड़े ने पहले ही इशारा करना शुरू कर दिया, मतलब घबराने लगा, तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो अगर आपको हमारा चैनल और हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे, सॉरी चैनल नहीं, हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बड़ा खतरनाक था सफ़र, तो चलते हैं।